नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूँ स्नेहलता शुक्ला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ पूजा सचदेवा। दिखाते हैं आपको खबरें धुआं था। अमेठी में बीच सड़क पर भिड़े दो सांड, सांड की लड़ाई देख मची भगदड़, लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिद्धार्थनगर में जाल में फंसे अजगर का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, 8 घंटे के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। नौगढ़ बढ़पुर स्टैंड का बताया जा रहा है ये वीडियो। शामली में निर्माणाधीन सड़क का काम ग्रामीणों ने रोका, सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया। ग्रामीणों के आक्रोश को देख ठेकेदार कर्मचारी फरार। जोशीमठ में हाईवे पर पहाड़ दरकने का सिलसिला जारी, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हनुमान चट्टी के पास 3 दिन से बंद है। सड़क पर आया मलबा हटाने में जुटी है बीआरओ की टीम। बद्रीनाथ हाईवे पर तेज रफ्तार स्विफ्ट कार और बोलेरो में भिड़ंत, घटना में वाहन में सवार लोगों को आई चोटें। गौचर और कर्णप्रयाग के बीच बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ हादसा। बलरामपुर में अज्ञात वाहन से टकराई स्विफ्ट डिजायर कार, कार सवार 6 लोगों की मौत। उत्तराखंड से देवरिया जा रहे थे कार सवार। हमीरपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस खड़े ट्रक से टकराई, बस ड्राइवर की मौके पर मौत, 5 यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। हाथरस से चित्रकूट दर्शन के लिए जा रहे बस में सवार सभी श्रद्धालु, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बाईपास की घटना। गाजियाबाद में लोनी में गेहूं के खेत में लगी आग, आग लगने से खड़ी फसल जलकर खाक, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। हमीरपुर में खेतों में आग लगने का सिलसिला जारी, गेहूं के खेत में अज्ञात कारणों से आग लगी, 12 बीघा फसल जलकर राख। प्रयागराज में सर्विस सेंटर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका, दमकल कर्मियों ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। सड़वा चौकी के सामने की घटना। प्रयागराज में किराना स्टोर में आग की खबर सामने आई, फायर ब्रिगेड ने बाबुश्किल आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह, गोहनिया इलाके की घटना। आगरा में 14 साल तक के बच्चे उल्टी और डायरिया से परेशान पीड़ित, 80 से ज्यादा नौनिहालों को SN में भर्ती कराया गया, डॉक्टर्स बच्चों को सही खान पान की सलाह देते नजर आए। महोबा में खड़ा ट्रक बना आग का गोला, ट्रक में अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी, ट्रक से चाय पीने के लिए उतरा था ड्राइवर। फतेहपुर में NHI की जमीन से हटा अतिक्रमण, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया, पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। गाजीपुर में मां पर 2 बच्चों की हत्या का आरोप, घटना से इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में लिया। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार, 3 को गोली लगी। अमरोहा में युवती से छेड़छाड़ कर रहे मंचले की पिटाई, पब्लिक ने मंचले को पकड़कर पीटा, 2 साथी फरार। गुंडा में नायब तहसीलदार पर रिश्वतखोरी का आरोप, नाराज अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया, उच्च अधिकारी को पत्र लिखने के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। हरिद्वार में गंगा स्नान करने आए युवक की डूबने से मौत, 6 यात्रियों की गोताखोरों ने जान बचाई, हरियाणा के जींद का रहने वाला मृतक हुआ। GMOU ने 5 रूटों पर नई टैक्सी सेवाएं शुरू की, साथ ही डंडा नागराज के लिए भी 10 सीटर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई, बसों की संख्या में कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया। ललितपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के रोजगार संगोष्ठी कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, समाज के लोग मुख्यधारा में नहीं जुड़ पाए थे, उन्हें जोड़ने का काम मोदी ने किया, जहां भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण की वहां पर स्मारक बनाने का काम मोदी ने किया। हरिद्वार में लेखपाल पेपर लीक मामले में SIT का बड़ा एक्शन, 60 अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, SSP ने कहा 60 अभियुक्तों पर कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मेरठ में दलित जाति का हवाला देकर शादी मंडप की बुकिंग रद्द, संचालक के खिलाफ केस दर्ज। पौड़ी में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलने की मांग उठाई, लैंसडाउन का नाम बदलकर स्वर्गीय विपिन रावत नगर रखने की मांग की है, विधायक ने कहा विचार विमर्श के बाद नाम परिवर्तन पर फैसला लिया जा सकता है। अल्मोड़ा में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सत्याग्रह, मोदी सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। श्रावस्ती में गेहूं की फसल में लगी आग, 25 से 30 बीघा गेहूं की फसल धू धू कर हुई खाक, मलहीपुर के कुंडा दामोदरा गांव की घटना। फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे नंबर 2 पर कैंटर में पीछे से घुसा ऑटो रिक्शा, 6 लोग घायल, 108 एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल में इन्हें कराया गया भर्ती।
को दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल बताने वाला ठगी का आरोपी गिरफ्तार। शिकायत के बाद हापुड़ पुलिस ने किया अरेस्ट। नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। अम्बेडकर नगर में अपहरण और जानलेवा हमले का आरोपी लखनऊ से गिरफ्तार। आरोपी पर पुलिस ने घोषित किया था 25,000 का इनाम। हरदोई में एक व्यक्ति की क्लिनिक के बाहर खड़ी बाइक हुई चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजीपुर में पारिवारिक संपत्ति को बंटवारे को लेकर युवक की हत्या। मृतक की पत्नी ने ससुर जेठ पर लगाया हत्या करने का आरोप। शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतक के भाई और पिता पर दर्ज किया गया। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। चार महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3.5 करोड़ रुपए की कीमत के मादक पदार्थ को जब्त किया। गाजीपुर में पुलिस कप्तान के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला। एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह बनकर मंदिर ने के लिए मांगा चंदा और ऑडियो वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। हरिद्वार में लेखपाल पेपर लीक मामले में एसआईटी का बड़ा एक्शन। 60 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। एसएसपी ने कहा अभियुक्तों पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। बुलंदशहर की नम्रता सिंह बनी यूपीपीसीएस की थर्ड टॉपर। पहले स्थान पर आगरा की दिव्या शिकरवार और दूसरे स्थान पर लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे का हुआ चयन। अलीगढ़ में मार्गदर्शिका पुस्तकालय में चलने वाली सिविल सेवा मार्गदर्शिता कोचिंग सेंटर के 5 बच्चों का पीसीएस के अलग अलग पदों पर हुआ चयन। एसडीएम रह के एक अधिकारी ने की थी कोचिंग सेंटर की स्थापना। लखनऊ के सिविल अस्पताल में हुआ मॉक ड्रिल। सीएम और राज्यपाल की आपात स्थिति को लेकर अभ्यास। डॉक्टर ने तत्काल मुख्यमंत्री के इलाज का मॉनिटरिंग। वाराणसी पहुंचे तेज प्रताप यादव का होटल में रखे सामान को कर्मियों ने कमरे से निकालकर रिसेप्शन पर रख दिया। बिना सूचित किए यह काम किया। होटल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई लिखित। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 232 नए मामले। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ आया नजर। गौतम बुद्ध नगर में मिले सबसे ज्यादा केस। 4 धाम यात्रा में केदार हेली सेवा के लिए सभी तैयारियां पूरी। आज से टिकटों का ऑनलाइन बुकिंग का काम शुरू। टिकट बुक कराने के लिए 4 धाम यात्रा का पंजीकरण जरूरी। यूपीपीएससी की परीक्षा के टॉप 8 में 8 बेटी, टॉप 10 में 8 बेटियां। दिव्या सिकरवार ने किया टॉप। प्रतीक्षा पांडे को दूसरा। नम्रता सिंह को मिला तीसरा स्थान। आगरा में पार्षद के पति पर स्कॉर्पियो चढ़ा दी गई। हादसे में बाल बाल बची जान। आरोपियों से पीड़ित की पुरानी रंजिश। अमेठी में युवक ने युवती का चाकू से गला काटा। आत्महत्या के इरादे से अपनी भी गर्दन काटी। हालत नाजुक। चंदौली में ट्रक से बिहार ले जाई जा रही अवैध शराब बरामद। ट्रक में बनाया था विशेष चैंबर। 2 तस्कर अरेस्ट। वन विभाग की लकड़ी चुराने वाले गैंग के एक बदमाश की गिरफ्तारी की वन विभाग ने। बिजनौर में बदमाशों ने वन विभाग की टीम पर फायरिंग की। 2 बदमाश की तलाश जारी। लग्जरी स्लीपर बस के जरिए शराब तस्करी का भंडाफोड़। हरियाणा से बिहार होती थी सप्लाई। स्लीपर के नीचे बने बॉक्स से 15 लाख रुपए की शराब बरामद। कुशीनगर में खनन माफिया पर एक्शन। उप जिलाधिकारी ने अवैध बालू को कराया डंप। घाट पर जाने वाले रास्ते भी बंद कराए। अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में बनाए जा रहे थे मकान। प्रशासन के निर्माणाधीन कॉलोनी को ध्वस्त करने की तस्वीर आई सामने। चंदौली में मंदिर की जमीन पर हो रहे निर्माण को लेकर हंगामा। अधिकारियों की जांच। मंदिर की ही निकली जमीन। निर्माण जारी। बस्ती में खाक छान रही है हेल्थ एटीएम मशीन से पूरे शरीर की निशुल्क जांच संभव। उपकरण और टेक्निकल स्टाफ न होने से बंद है मशीन। आगरा में जूते की फैक्ट्री की आग पर पाया गया काबू। शहीद नगर ज्ञान भारती स्कूल के पास है ये फैक्ट्री। केमिकल से भरे ड्रम में हुए धमाके। बहराइच के कैसरगंज इलाके में भीषण आग। 44 घरों के साथ 10 बीघा गेहूं की फसल राख। एक मकान में लगी आग से 43 घर जलकर खाक। मुगलसराय कोतवाली में टाटा मोटर्स के स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में लगी आग। चंदौली वाराणसी के दमकल वाहनों ने इस आग पर काबू पाया। कई लाख के नुकसान की आशंका। हरिद्वार देहरादून रोड पर मोतीचूर जंगल में कार में लगी आग। सभी सवार सुरक्षित। कार में सवार 3 लोग।
फरार अमृतपाल की तलाश में लखीमपुर खीरी में जांच तेज। भारत नेपाल सीमा पर कड़ी चौकसी, जंगली इलाकों में भी एसएसबी की नजर। सीतापुर में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के स्मार्ट क्लास की भी जांच की। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। विकासगंज के योग गुरु बाबा रामदेव का बयान, भारतीय शिक्षा में लाएंगे क्रांति। भारत में रहने वाले मुसलमान कन्वर्टेड मुसलमान है। वाराणसी के निजी दौरे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में परिवार के साथ हुए शामिल। संकट मोचन मंदिर में भी किया दर्शन पूजन। हरदोई में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा, समाजवादी पार्टी माफियाओं को पोषण देने वाली पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव का संरक्षण है। चमोली में पहाड़ी तोड़ने का काम जारी। हनुमान चट्टी के पास बद्रीनाथ पर तोड़ी जा रही पहाड़ी। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के खुलने हैं कपाट। दिल्ली में प्लास्टिक के गोदाम में भड़की आग। दमकल की 25 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई। टिकरी बॉर्डर के पीवीसी बाजार में है गोदाम। बिहार के बेतिया में 2 दर्जन घरों में लगी आग। गांव में मची अफरा तफरी। एक घर में खाना बनाते समय आग लगी। घरों में रखे सामान जलकर हुआ खाक। लाखों का नुकसान। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 25 परगना में दुकान में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दुकान का सामान जलकर खाक। महाराष्ट्र के नासिक में पेड़ से टकराई बस। हादसे में 2 लोगों की मौत। जम्मू के सांबा इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 3 चाइनीज पिस्टल, 6 मैगजीन, 48 जिंदा कारतूस, 4 हैंड ग्रेनेड बरामद। दिल्ली में एक शख्स को इनकम टैक्स ने भेजा 113 करोड़ का नोटिस। शख्स की सैलरी है 50,000 रुपए। खाते से हुआ 132 करोड़ का लेन देन। मुंबई में ड्यूटी पर तैनात रेलवे पुलिस की महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बांद्रा स्टेशन पर चलती लोकल ट्रेन से एक युवक ने की छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। बलजीत लॉन्च में की गई थी हत्या। सीसीटीवी फुटेज में युवक के साथ दिखी आरोपी महिला। दिल्ली में सस्ते लोन का झांसा देकर लोगों से जबरन वसूली करने वाले गैंग के 18 सदस्य गिरफ्तार। गिरोह के फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस का छापा। लोन चुकाने के नाम पर लोगों से करते थे ब्लैकमेलिंग। ओडिशा के मयूरभंज में बकरी चुराने के आरोपी, 3 लोगों को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पीटा। बकरी चोरी करने कार से आए थे आरोपी। ग्रामीणों ने आरोपियों को पीटने के बाद पुलिस को सौंपा। देश के 8 राज्यों में फिलहाल कोरोना का ज्यादा खतरा। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली के कई जिलों में संक्रमण दर 10% पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के 733 नए मामले, 2 मरीजों की मौत। संक्रमण दर 20% के करीब। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 926 केस आए सामने। 3 लोगों की हुई मौत। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच पुडुचेरी में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना हुआ जरूरी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।